ये दिव्या की कॉफ़ी के साथ के लिए मैंने केक रख दिया है, और ये मैं अभी एक मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ अपना। सॉरी, पहले मैं इसको दिखाना भूल गई, पूरा कप मैं भर लेती हूँ। एक तरह से काढ़ा है, मैं रात को बनाती हूँ और सुबह पी लेती हूँ। ये भाई साहब जी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करके लेटे हुए हैं। आज इन्होंने दूध रोटी खाई है बहुत दिनों बाद में। इसके बर्तन रखे हुए हैं। मैं अपनी शक्ल दिखा देती हूँ, भी सुबह सुबह हुई है तो सुबह सुबह देखो शक्ल ऐसी रहती है। दिव्या का कॉलेज है, उसका कॉलेज सर्दियों में है जबकि बच्चों का लेट होता है कॉलेज। उसका कॉलेज बहुत जल्दी का हो गया है तो वो अभी बस हम उसे छोड़ने के लिए निकलेंगे। और ये देखो, ये पीछे मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ हो चुके हैं। ये मैंने इसमें दूध भी कर दिया है क्योंकि दिव्या क्या ना नॉर्मल कॉफ़ी पीती है, तो मैंने उसकी कॉफ़ी बना के दे दी है। अब साथ में बस उसकी ये देती हूँ। तो दिव्या दीदी रेडी हो चुके हो आप? कैसा लग रहा है सुबह सुबह जब कॉलेज जाते हो विंटर्स में? नहीं, आज बड़ा वाला भारी लेके जाऊंगी। लैपटॉप लेके जाना है लैपटॉप किस लिए लेके जाना? आज पढ़ने के लिए। पढ़ाई करेगी तू? आज पढ़ाई करेगी? अब कुछ शराब वगैरह भी ले जाना बेटा, यहाँ पे ठंड लगेगा, पता है ठीक सर, है? दोपहर में भी ठंड और लगी ये थी। कॉफी पी लेना नोटिस आ रहा है। और थोड़ी सी अपने रूम की हालत सुधार देना। देखो ये आगे भाई साहब जी, इनको ना पीछे नहीं रहना होता। ये क्या बोलते हैं, सेंटर सेंटर ऑफ अटेंशन। सेंटर ऑफ अटेंशन। अरे देखो देखो, पीछे जाके खड़ा हो गया। अभी हाँ इसका थोड़ा सा भौंकना शुरू होगा। और दिव्या की रूम की हालत थोड़ी अभी ऐसी हो रही है। हाँ मत भौंको, अभी चलते हैं, ठीक है? मैं इसे घुमा के ले आती हूँ, आप रेडी हो जाना। चाबी मैं गाड़ी की चाबी लेके जा रही हूँ, आप नीचे आ जाना। ये पी रही हूँ, है तो टेस्ट में बहुत कड़वा लेकिन पीना पड़ता है, क्या करे। देखो भाई साहब शक्ल कैसी हो रही है, सुबह उठ के ना कंघी भी नहीं करने का टाइम होता। ये मेरा आगे वाला एरिया है और ये देखो ये वाले प्लांट्स कितने बड़े हो रहे हैं। और ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये मैंने एक छोटी सी डंडी लगाई थी सिर्फ, तो ये देखो मुझे बहुत अच्छे से तो चढ़ाना आता नहीं है लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा हो रहा है ना। ब्रूटस आ जाओ, अभी बॉल नहीं लेके जानी है, चलो आओ भी ऐसे चलेंगे। अब बॉल के बिना नहीं जाना होता आपको, चलो अंदर चलो, जंप करो जल्दी, लेट हो रहा है दीदी के लिए। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, सेट डाउन। बिकॉज ऑफ थायराइड मुझे ना सुबह सुबह में गले में बहुत ज्यादा ऐसे खराब होता है मेरा गला, तो आज ना एकादशी है और मेरा फास्ट है, लेकिन मैंने ना अब अपने फास्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैंने मतलब मॉडिफाई कर दिया है। पहले क्या करती थी ना मैं, कि पानी वानी कुछ नहीं पीती थी जब मैं फास्टिंग पे होती थी, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बजाय कि मैं मतलब व्रत ना रख पाऊँ तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आ गई है मैडम जी। ओए प्राणी रुक जा, खोलना पड़ेगा, गाड़ी मैंने बंद की हुई है। चलो मैं बाद में बात करती हूँ अभी फिर गाइस, मैडम। आज मैं एक्सीडेंट करते हुए ब्लॉग करूंगी, आप सबको टोकते हुए वीडियो बना रही हूँ। कॉलीफ्लावर मैंने चॉप करके रखी हुई है, फिलहाल तो इसे पानी में डिप कर देती हूँ और फिर देखती हूँ इसका क्या बनेगा। मतलब बीन्स थोड़ी सी ज़्यादा है तो बीन्स थोड़ी कम डाल देती हूँ, इसको मैं बाद में करूँगी। और ये जो लोटस स्टेम होती है ये भी थोड़ी डाल देती हूँ क्योंकि दिव्या ने आज बोला है कि कुछ अलग सी सब्जी बनाना। देखो दिव्या थोड़ी सी अपनी कॉफ़ी छोड़ गई है तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं भी पहले। आज दिव्या मैडम के लिए कुछ अलग सी सब्जी बनानी है, वही है। सीड्स पड़े हुए तो आज सोच रही हूँ मैं से कुछ लगा ही देती हूँ, क्या क्या लगाऊँ। ये देखो मैंने पहली बार इतना छोटा वाला पौधा देखा है, जो स्नेक प्लांट्स होते हैं ना, ये एक था मैंने एक ही लगाया और अभी इतना सारा हो गया। बुटू पीछे हटो बेटू, इसमें है बहुत सारा, और देखो वहाँ पीछे है और भी बहुत लगाया, बहुत लोगों को दिया भी है। इसमें ना मैंने धनिया डाल दिया है।
जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, तो आज देखो कुछ काम नहीं हो पाया है उसकी। पता नहीं कैसे ना तबीयत खराब थी, तो वो रही कहती दीदी मैं कर नहीं पाऊंगी, तो वो सिर्फ झाड़ू निकाल के गई है। और ये वाला मुझे कॉर्नर अच्छा लगता है, अभी ये मुझे बहुत पसंद है। हैम्प्रोटस के खाने की मैं कटोरी रख देती हूँ, क्योंकि इसका खाना साइड में रखती हूँ। सब्जी बन चुकी है मेरी, बस इसमें बाद में हरा धनिया वगैरह डालूंगी। इधर मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है, मैं नहा लेती हूँ क्योंकि फिर पूजा करनी है। आज की पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ब्रूटस ना हमेशा पूजा में साथ में बैठते हैं। पीनट का सैलड बना लिया है, इसमें मैंने मतलब मूंगफली, थोड़े से बादाम, मतलब 2-3 बादाम और काजू डाले हैं, और थोड़े से ना मैंने पम्पकिन सीड भी डाल लिया है इसमें। और ये दूध लिया है मैंने, आधा आधा गिलास है छोटे वाला, और इसमें मैंने चिया सीड्स डाल लिए हैं। ये मेरे ससुर जी के पैर हैं, और ये हस्बैंड के, ये बेटे के, ये दिव्या दीदी के, और ये मेरे अजयवती बुआ जी, ओमवती बुआ जी, लड़कियों के भी बनते हैं। और ब्रूटस के ना इसमें से कॉपी करके बनाने की कोशिश करती हूँ। बस को नीचे जाना है बिल्ली के पास, जल्दी बना के ख़त्म करते हैं, फिर इसे मैं घुमा के लाती हूँ। अभी सेविया भी बनानी है मुझे। नहीं, ब्रूटस के भी पैर बन गए, इतनी अच्छी तो ड्राइंग नहीं है। याद है जब हम पहले जहाँ फिशेस पहले रहते थे, हम फिश के जितने भी फिश होती थी पूरी फिश भी बनाते थे ना। अभी सेविया बना लेती हूँ, थोड़ी सी बनाऊंगी, तो इसमें पानी डालती है। पानी वाली बनाने की सोच रही हूँ आज की, पानी वाली ही बना देती हूँ। ऊपर लेडीज संगीत हो रहा है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन देव उठाने भी जरूरी थे, तो उनका तो संगीत अभी पूरी रात चलेगा, तो हम वेट नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पीछे से आ सकती है। बोलते हैं जो ढक के रखते हैं ना, अगर किसी को माइग्रेन हो रहा होता है तो ये ले लेते हैं तो ठीक रहता है। तो पूरा अच्छे से तो नहीं आता गाना, जितना याद है मुझे जो हमारा होता था, उतना कोशिश करती हूँ गाने की। उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, कातक मास, नहीं टोकरी नहीं कपास, नहीं कपास, जा रे मुझे दाव बना, दाव बना, दाव बना के दाव कटा, दाव कटा, के बान बटा के खाट बुना, खाट बुना, खाट बुना के दरी बिछा, दरी बिछा, दरी बिछा के लोट लगा, लोट लगा, लोट लगा के मोटा हो, मोटा हो, झूठा हो, गोरी गाय कपला गाय, जाका दूध महा पर हो, कहा पर हो, औड़े कौड़े धरे मंजीरा, धरे मंजीरा। अभी ना सबके नाम लेने होते हैं। तेरे ही बीरा, तेरे ही बीरा, ओले कोले धरे मजीरा, धरे मजीरा, ये है दिव्या, तेरे ही बीरा, तेरे ही बीरा, ओले कोले धरे चपेटा, धरे चपेटा, ये है रिशोभा, तेरे ही बेटा, तेरे ही बेटा, ओले कोले धरे मजीरा, धरे मजीरा, ये हरे हर भी तेरे ही बीरा, तेरे ही बीरा, ओले कोले धरे मजीरा, धरे मजीरा, ये हर तेजिंदर तेरे ही बीरा, तेरे ही बीरा, बड़ा नाव के दे उठ जाओ। ब्रूटस के तो उठाए ही नहीं। अरे हाँ, ब्रूटस का तो बोला ही नहीं। ओले कोले धरे मजीरा, धरे मजीरा, ये है ब्रूटस तेरे ही बीरा, तेरे ही बीरा, बड़ा नाव के दे उठ जाओ। ये छोटे थे तब देखा था गांव में, उसके बाद में कभी देखा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो दिमाग में याद है बस वो बोल देती हूँ। ये मेरा खाना बन चुका है, मतलब सैलड बन चुका है मेरा। मैं अपना व्रत खोलती हूँ, उसके बाद में मैं रेस्ट करती हूँ। आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, और जैसे कि मैंने 1 वीक का चैलेंज लिया हुआ है, अभी आज मेरा 3rd डे है,
तो मैं अपने खाने पे भी रिस्ट्रिक्शंस कर रही हूँ थोड़ा सा। जिम मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। ये हार श्रृंगार के ना ऐसे पत्ते होते हैं, इनका मैं काढ़ा बनाती हूँ। वैसे तो जो वीडियो मैंने देखा था उसमें बताया हुआ था कि इनको पीस के और फिर काढ़ा बनाओ, पर मैं क्या करती हूँ, मैं सीजर से छोटा छोटा कट कर लेती हूँ धो के, और रात को मैं काढ़ा बना के रख देती हूँ, सुबह मैं उसको खाली पेट पीती हूँ। तो जैसे जैसे इसका भी अगर मुझे असर कुछ दिखेगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और हाँ, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा है। टिल देन, बाय।